नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम शर्मा, मेरी कला एवी सोनम शर्मा के चैनल के माध्यम से आप सब लोग का दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस शिवरात्रि जो कि 18 फरवरी 2023 की है, तो आप क्या ऐसा करें कि आपकी सारी मनोकामनाएं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। नोट कीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए जल्दी से जल्दी। आपको क्या करना है इस बार की शिवरात्रि पे, आपको जो शिवलिंग है भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है शहद के साथ। शहद की जो शीशी हो दोस्तों, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। आपको धीरे 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 धार बनाते हुए, कहते ना हमने एक लोग क्या करते हैं, मैंने मंदिरों में एक बड़ी अजीब और मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज मैंने देखी है, वो कहते ना ड्यूटी पूरी करना वैसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल गलत। ऐसे आपको अभिषेक बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ अभिषेक करना है। कहते हैं जब शिवलिंग पर वो जो पिंडी बनी होती है, वहां पे जल हो, दूध हो, कच्ची लस्सी हो, शहद हो, या कुछ भी किसी भी चीज के साथ आप अभिषेक कर रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी मत कीजिए, मन के साथ कीजिए। अब आपको क्या करना है, उस जो आप शहद शिवलिंग पर कर रहे हैं अभिषेक, उसकी धार बननी चाहिए। धार समझ गए ना, गॉट इट। अब दूसरी चीज नोट कीजिए, आपको एक मुट्ठी जौ वो शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज, दो चीजें हो चुकी हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, एक 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है, सफेद रंग का, सफेद रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा आपने शिवलिंग पर अर्पण करना है, चढ़ा देना है। अब चौथी चीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बेल पत्र। लेकिन कितने, 108, नोट कर लीजिए, बेल पत्र 108 आपको चढ़ाने हैं। अब पांचवी चीज आती है, क्या आती है, आखिरी और पांचवी चीज है चावल के दाने। टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अच्छा वाला चावल यूज कीजिए, बासमती चावल यूज कीजिए, क्योंकि हमने अपनी पूजा में, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास में इतनी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मांगने में जब कंजूसी नहीं कर रहे तो चढ़ाने में कैसी कंजूसी भाई। अब ये जो चावल के दाने हैं, ये भी आपको 108 ले लेने हैं, 108 पूरे दाने जब आप चिनेंगे, है ना, एक दाना ओम नमः शिवाय, दो दाना ओम नमः शिवाय, देखिए 108 बार आपका ओम नमः शिवाय का भी जप हो गया। अब जब आप बेलपत्र लेंगे 108, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखिए आपकी कितनी तपस्या हो रही है, और कितना तप और जप के साथ जब आप ये रेमेडी करेंगे ना, भोलेनाथ जी को खुश होना ही होगा। जय भोले।